बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है जहां पर 5 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी कर ली गई है। तो आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी की जांच चल रही थी, जो फिलहाल मिल रही है जानकारी की पूरी हो चुकी है। तो जांच रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी को क्लीन चिट नहीं मिला है। तो शासन को ये रिपोर्ट सौंपी गई एसआईटी के जरिए, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को क्लीन चिट नहीं मिला है। एसआईटी ने 5 आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, जहां एनसीआर में तैनात 2 आईपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई। वहीं दोनों आईपीएस के खिलाफ डिजिटल और साथ ही मोबाइल डिटेल में भी आरोप पुख्ता हुए हैं। तो 2 आईपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश और 3 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो 3 अफसरों के खिलाफ सिफारिश करने के सबूत हैं। वहीं नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने इसकी शिकायत की थी भ्रष्टाचार को लेकर, और 5 आईपीएस जिनके नाम का खुलासा किया गया था और इसी को लेकर एसआईटी जब जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले शासन को सौंपी गई और फिलहाल किसी को भी क्लीन चिट इसमें नहीं दिया गया।